दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक। दानियल अध्याय एक। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के राजा नबुकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम और परमेश्वर के भवन के कितने एक पात्रों को उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनच को आज्ञा दी कि इसराइली राजपुत्रों को प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कोई जवानों को ले जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धिमानी में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कस्तियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि मेरे भोजन और मेरे पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए और तीन वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। फिर उसके बाद वे मेरे सामने हाजिर किए जाए और उन यहूदा की संतान में से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरियाह नाम यहूदी थे और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर और हनन्याह का शद्रक और मिशाएल का मेशक और अजरियाह का अबेदनगो नाम रखा। दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि मैं राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का मधु पीकर अपवित्र न हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना न पड़े। परमेश्वर ने खोजा के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भरी हुई थी। तब खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। वह तुम्हारे मुंह तुम्हारे संगी के जवान से उतरा हुआ उदास क्यों देखे? तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालोगे। तब दानियल ने उस मुखिया से कहा, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त कहा रखा था, कहा, मैं तेरी विनती करता हूं, तू अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी दिया जाए, फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह को देख और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुख को देख और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहरा हुआ दाखमधु दोनों छोड़कर उनको सागपात देने लगा और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन नबुकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी उतने दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया और राजा उनसे बातचीत करने लगा। तब दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरियाह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सन्मुख हाजिर रहने लगे और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्यभार के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे और दानियल कुश्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। दानियल अध्याय दो। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबुकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाए।
कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। सो वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। कसदियों ने राजा से अरबी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरजीव रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया कि मैं तो यह आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे, और यदि तुम फल समेत स्वप्न को बताओगे तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न को बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम यह देखकर कि आज्ञा राजा के मुंह से निकल चुकी है समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओगे तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न को बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा व प्रधान व हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी व तंत्री व कसदी से ऐसी बात पूछी हो। और जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। इस बात से राजा ने झुंझलाकर अब बहुत ही क्रोधित होकर बाबुल के सब पंडितों को नाश करने की आज्ञा दे दी। सो यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। तब दानियल ने जल्लादों के प्रधान अर्योग से, जो बाबुल के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और वह राजा के हाकिम अर्योग से पूछने लगा कि यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली। तब अर्योग ने दानियल को इसका भेद बता दिया, और दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि मेरे लिए कोई समय ठहराया जाए तो मैं महाराज को स्वप्न का फल बताऊंगा। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशायल और अजरियाह को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल के सब और पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश किए जाएंगे। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया कि परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है, और समयों और ऋतुओं को वही पलटता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, और बुद्धिमानों को बुद्धि और समझने वालों को समझ भी वही देता है। वह गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ कि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। तब दानियल ने अर्योग के पास, जिसे राजा ने बाबुल के पंडितों के नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बाबुल के पंडितों का नाश न कर, मुझे राजा के सन्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। तब अर्योग ने दानियल को राजा के सन्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंधुओं में से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलशत्सर भी था, पूछा, क्या तुझमें इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए। दानियल ने राजा को उत्तर दिया,
जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित राजा को बता सकते हैं, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकटकर्ता स्वर्ग में परमेश्वर है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या होने वाला है। मुझ पर तो यह भेद कुछ इस कारण नहीं खोला गया कि मैं सब और प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी, और उसकी चमक अनुपम थी, और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने किसी ने बिना खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगकर उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गया, और धूपकाल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गया कि उसका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। स्वप्न तो यू ही हुआ, और अब उसका फल हम राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू महाराजा अधिकारी है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है, और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उनको सभों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सबका अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है, और तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर भी एक और तीसरा पीतल का रसा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी, और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है और पीस जाती है, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुछ कुचल जाती है उसी भांति उस चौथे राजा से सब कुछ चूर चूर होकर पीस जाएगा। और तूने जो मूर्ति के पांव और उसकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन होगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा। और पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका फल यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और निर्बल होगा, और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका फल यह है कि उस राज्य के लोग नीच मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे दोनों भी एक बने रहेंगे। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह आप स्थिर रहेगा। तूने जो देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा, और उसने सोने, लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति से महान परमेश्वर ने राजा को जताया कि वह कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, और न स्वप्न में न उसके फल में कुछ संदेह है। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि इसको भेंट चढ़ाओ और इसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का परमेश्वर है, और राजाओं का राजा भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए, और यह आज्ञा दी कि वह
बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल आप ही राजा के दरबार में रहा करता था। दानियल अध्याय 3। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूरा नाम मैदान में खड़ा करवाया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों और खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में जो उसने खड़ी करवाई थी आए। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंडोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो, और जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि शब्द प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। उस समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और यह कहकर यहूदियों की चुगली खाई, वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीव रहे, हे राजा तूने जो आज्ञा दी है कि जो जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है, और उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तो उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करोगे तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, और जो भी हो, परंतु हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना न करेंगे
और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेगी। तब नबूकदनेस्सर झल्ला उठा और उसने चेहरे का रंग ढंग शद्रक मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजो अंगरखों बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिस पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया वे तो आग की आँच ही से जल मरे और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच शद्रक मेशक और अबेदनगो ये तीनों पुरुष बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं क्या देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची और 4थे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासो, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति हाकिम गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा तब क्या पाया कि इनकी देह में आग का कुछ प्रभाव नहीं और न इनके सिर का एक बाल भी झुलसा और न इनके मोजे कुछ बिगड़े न इनमें जलने की कुछ गंध पाई जाती है। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर जिसने अपना दूत भेजकर इन दासों को इसलिए बचाया कि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा वरन यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत न करेंगे। अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक मेशक और अबेदनगो का पद ऊंचा किया। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं उन सबों को यह वचन मिला कि तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। तुमको अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिए हैं उनको प्रकट करो। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में जिसमें रहता था चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आज्ञा दी कि बाबुल के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाए। तब ज्योतिषी तंत्री कश्ती और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया परंतु वे उसका फल न बता सके। निदान दानियल मेरे सन्मुख आया जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रखा गया था और जिसमें पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बताया कि हे बेलतशस्सर तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ
कि तुझ में पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैं देखा है उसे फल समेत तुझे बताकर मुझे समझा दे। पलंग पर जो दर्शन मैंने पाया वह यह है, अर्थात मैंने क्या देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है जिसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बढ़ कर दृढ़ हो गया, उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की छोर तक देख पड़ता है। उसके पत्ते सुंदर है और उसके फल बहुत है, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन है। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती है और उसकी डालियां में सब आकाश की चिड़िया बसेरा करती है और सब प्राणी उसके आहार पाते हैं। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा कि वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल छितरा डालो, पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़िया उसकी डालियों पर से उड़ जाए, तो भी उसके डुंड को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का न रहे, पशु ही का सा बन जाए और सात काल उस पर बीतने पाए। यह नियम पहरों के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली और उसकी यह मनसा है कि जो जीवित है सो जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे देता है और तब उस पर नीच से नीच जाति को भी नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, सो हे बेलशत्सर तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में कोई और पंडित तो इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। तब दानियल, जिसका नाम बेलशत्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलशत्सर, इस स्वप्न से व इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलशत्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी भर फैल गया, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे, जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़िया बसेरा करती थी, हे राजा, उसका अर्थ तू ही है। तू तो बड़ा और सामर्थ्य हो गया, तेरी महिमा बड़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैल गई है। और हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ढूंढ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक सात युग पर उस पर बीत न चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा और सात युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और उसको वह जिसे चाहे उसे दे देता है और उस वृक्ष के ढूंढ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका फल यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे,
तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चयन बना रहे। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है जिसे महीने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकला गया है और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशु के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू जान न ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको वह जिसे चाहे उसे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, अर्थात वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों की नाई घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल उका पक्षियों के परों के और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर जो कि त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा कि उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है और पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाएंगे और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर जो कि त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी विशेष प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उनको वह नीचा कर सकता है। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। बेलशत्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए जीवनार की और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशत्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें ले आओ कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। वे दाख मधु पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह अपने सोच विचार में घबरा सा गया और उसकी कटी के जोड़ ढीले हो गए और कपीते कांपते उसने घुटने एक दूसरे से लगने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों कसदियों और होनहार बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बाबुल के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाया जाएगा और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा ने सब पंडित लोग
भीतर तो आए परंतु उस लिखे हुए को पढ़ न सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशत्सर राजा निपट घबरा गया और वह भयातुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हो गए। राजा और प्रधानों के वचनों का हाल सुनकर रानी जीवनार के घर में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, मन में न घबरा और न उदास हो, क्योंकि तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशत्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि उसमें पाई गई। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा कि क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेज़र राजा के यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तो तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे तो उस बात का अर्थ न समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है, इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके तो मैं तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाया जाएगा और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने पास ही रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। मैं वह लिखी हुई बात राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेज़र को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसको वह चाहता उसे वह घात करता था और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसको वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। निदान जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहां तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज्य सिंहासन पर से उतर गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई और वह मनुष्य में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया और वह बैलों की नाई घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओर से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बेलशत्सर, तू जो उसका पुत्र है, यद्यपि यह सब कुछ जानता था तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं उनकी स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके प्राण तेरे हाथ जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है उसका सम्मान तूने नहीं किया। यही वह हाथ का एक भाग उसी ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं और जो शब्द लिखे गए हैं अर्थात मने मने तकेल उपसिन, इस वाक्य का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन
गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल, तू मानो तराजू में तौला गया है और हल्का पाया गया है। परेश, अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाया गया और ढिंडोरियों से उसे विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात को कस्तियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। दानियल अध्याय 6। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था इसलिए ठहराए कि ये उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराऊंगा। तब अध्यक्ष और अधिपति दानियल के विरुद्ध राज्यकार्य के विषय में दोष ढूंढने लगे, परंतु वह तो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला, इसलिए वे ऐसा कोई अपराध व दोष पा न सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य से व देवता से विनती करे वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटकल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल न हो सके। तब राजा दारा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरोटी कठोरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया, सो वे राजा के पास जाकर उसकी आज्ञा पत्र के विषय में उससे कहने लगे कि हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई मुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता से विनती करेगा तो वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटकल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है उसने, हे राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती क्या करता है। यह वचन सुनकर राजा बहुत उदास हो गया और दानियल के बचाव के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, तू जान रख कि मादियों और फरिसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो मनाही व आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब
राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और नींद भी उसको नहीं आई। भोर को वह फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहने लगा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरी भी मैंने कुछ हानि नहीं की। तब राजा ने दानियल के विषय में बहुत आनंदित होकर उसको गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी और दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उसमें हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने लड़के बालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे में की पेंदी तक न पहुंचे थे कि सिंहों ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा कि तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंह से बचाया है वह बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। और दानियल, दारा और कुश्रू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। दानियल अध्याय 7। बाबुल के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा कि मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जीव जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जानवर सिंह के समान था और उसके उकाब के से पंख थे, और मेरे देखते देखते उसके पंखों पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जीव देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसुली थी, और लोग उससे कह रहे थे कि उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु जीव जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है और उस जंतु के 4 सिर है और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि चौथा एक भयंकर और डरावना और बहुत ही सामर्थी जीव है और उसके लोहे के बड़े बड़े दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है
और वह पहले सब जानवरों से भिन्न है और उसके 10 सिंह है। मैं उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला और इसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने क्या देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए हैं और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ जिसका वस्त्र हिम सा उजल और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे हैं। उसका सिंहासन अग्निमय और इसके पहले धधकती हुई आग के से देख पड़ते हैं। उस प्राचीन के सन्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही है। फिर हजारों हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे हैं और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर हैं। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में क्या देखा कि वह जानवर घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया और रहे हुए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और वे उसको उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा की और अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा और मुझ दानियल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग आसपास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बता दिया कि उन 4 बड़े बड़े जानवरों का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय हो गए, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उनके अधिकारी बने रहेंगे। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जानवर का भेद भी जान लूं, जो और तीनों से भिन्न और अति भयंकर था। उसके दांत लोहे के और नाक पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बच्चों को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर के 10 सिंगों का भेद और जिस ओर सिंह के निकलने से 3 सिंह गिर गए, अर्थात जिस सिंह की आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह और सब और सिंहों से अधिक भयंकर था, उनके भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। और मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के सब लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया जब तक कि वह अति प्राचीन न आ गया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राजाधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। उसने कहा, उस चौथे जानवर का अर्थ एक और चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों में भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा और दाव दाव कर चूर करेगा। और उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे और न्यायी बैठेंगे। तब उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नाश की जाएगी, यहां तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी।
उसका राज्य तो सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन तो मैं अब तक कर चुका, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और मैं इस बात को अपने मन में रखे रहा। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। बेलशस्सर राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में एक बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा उस बात के बाद दिखाई गई जो पहले मुझे दिखाई गई थी, जब मैं एलाम नाम प्रांत में शूशन नाम राजगढ़ में रहता था। तब मैंने दर्शन में क्या देखा कि मैं उले नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आंख उठाकर क्या देखा कि उस नदी के सामने दो सिंह वाला एक मेढ़ा खड़ा है और सिंह दोनों तो बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह दक्षिण पश्चिम उत्तर की ओर सिंह मारता रहा है और न तो कोई जंतु उसके सामने खड़ा रह सकता है और न कोई किसी को उसके हाथ से बचा सकता है, और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता है। मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम देश से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सिंह था, और वह उस दो सिंह वाले मेढ़े के पास जाकर जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सिंगों को तोड़ दिया और उसका सामना करने को भेड़े का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। तब बकरा अत्यंत बढ़ाई मारने लगा और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सिंह टूट गया और उसकी संति देखने योग्य चार सिंह निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। फिर इनमें से एक सिंह से एक छोटा सा सिंह और निकला जो दक्षिण पूर्व और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया, वरन वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला, वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होमबलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया और लोगों के अपराध के कारण नित्य होमबलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते कृतार्थ हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा कि नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा। उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सन्मुख खड़ा हुआ देख पड़ा। तब मुझे उले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था कि हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तब जहां मैं खड़ा था वह मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। जब वह मुझसे बातें कर रहा था तब
मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा किया। तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे जताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। जो दो सिंह वाला मेढ़ा तूने देखा है, उसका अर्थ मादियों और फरीसियों के राज्य से है, और वह रोआर बकरा यूनान का राज्य ठहरा है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला वह पहला राजा ठहरा, और वह सिंह जो टूट गया और उसकी संति चार सिंह जो निकल आए, इसका अर्थ यह है कि उस जाति से चार राज्य उदय तो हो गए, परंतु उनका बल उसका सा न होगा, और उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहली उपजने वाला एक राजा उठेगा, और उसका सामर्थ्य बड़ा तो होगा परंतु उस पहले राजा का सा नहीं, और अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और कृतार्थ होकर काम करता जाएगा, और सामर्थियों को और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा, और उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा, और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा, वरन वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। और अब सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा है और सुना है वह सच बात है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला न रहा। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। दानियल अध्याय 9। मादी क्षयर्ष का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कितने वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया कि हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है, और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है, और तेरे जो दास नबी लोग, हमारे राजाओं, हकीमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, और हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम के निवासी आदि सब यहूदी, वरन क्या समीप क्या दूर के सब इसराइली लोग, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरा किया था देश देश में बरबस कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना ही है। हे यहोवा, हम लोगों ने जो अपने राजाओं, हकीमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी वह दया सागर और क्षमा की खानी है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनवा दी, उस पर नहीं चले, वरन सब इसराइलियों ने भी तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है, इसलिए
उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे उन्हें हम पर यह बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए न तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और न तो तेरी सत्य बातों में प्रवीणता प्राप्त की। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। और अब हे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने तो अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाकर अपना ऐसा नाम बड़ा किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण तो यरूशलेम की और तेरी प्रजा की हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है उतार दे। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंखें खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं तो अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करता है जो करना है उसे कर, विलम्ब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा जो तेरी कहलाती है इसलिए अपने नाम के निमित्त ही ऐसा कर। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जात भाइयों के पाप का अंगीकार करता और अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था कि वह पुरुष जिब्राल जिसे मैंने उस समय देखा था जब मुझे पहले दर्शन हुआ उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा और कहा, हे दानियल, मैं अभी तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे समझाने को आया हूँ क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष नाश किया जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय से ठनी हुई समाप्ति के होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। फारस देश के राजा कुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलतशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई
और यह बात सच है कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को बूझ लिया और इस देखी हुई बात की समझ उसको आ गई। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस व दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को मैं हिद्देकेल नाम नदी के तीर पर था। तब मैंने आंखें उठाकर क्या देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए उपाच देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली की नाई और उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी थी। उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से थे। उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ने ही देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा और मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना और जब वह मुझे सुन पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल लड़खड़ाते बकैया बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहना चाहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीनहीन बनाने की ओर मन लगाया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान तो 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल नाम जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए फारस के राजाओं के पास मेरे रहने का प्रयोजन न रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो तूने दर्शन पाकर देखा है वह कुछ दिनों के बाद फलेगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका तब मैंने मुंह भूमि की ओर किया और चुपका सा रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा, और जो मेरे सामने खड़ा था उससे कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझमें कुछ भी बल नहीं रहा। सो प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ क्यों कर बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस ही रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने फिर मुझे छूकर मेरा हियाव बांधा और कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव दृढ़ रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बांधा है। उससे कहा, मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? क्या तू जानता है कि अब तो मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा, और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, और उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग
स्थिर रहने वाला कोई भी नहीं है। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। और दारा नाम मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हिया दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया था। और अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ कि फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा। और जब वह धन के कारण सामर्थ्य होगा तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं की ओर बटकर अलग अलग हो जाएगा। और न तो उसके राज्य की शक्ति जो कि त्यों रहेगी और न उसके वश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उसको छोड़ और लोगों को प्राप्त होगा। तब दक्षिण देश का राजा अपने एक हाकिम समेत बल पकड़ेगा, वह उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहां तक कि उसकी बड़ी ही प्रभुता हो जाएगी। कई वर्ष के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास सत्य वाचा बांधने को आएगी, परंतु न तो उसका बाहुबल ठहरा रहेगा और वह राजा और न उसका नाम रहेगा। वरन वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। फिर उसके कुल में से कोई उत्पन्न होकर उसके स्थान में विराजमान होगा और सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और वहां उनके युद्ध करने के प्रबल होगा। तब वह उनके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और सोने चांदी के मनभाव पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा। इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा की ओर से हाथ रोके रहेगा। तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के राज्य के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। तब उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे। तब वह उमड़ने वाली नदी की नाई आकर देश के बीच होकर जाएगा, फिर लौटता हुआ अपने गढ़ तक झगड़ा मचाता जाएगा। तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा और यह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ भाड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ को दूर करके उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु तो भी प्रबल न होगा, क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पहली से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा और कई दिनों बरन वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और धन लिए हुए आएगा। और उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, बरन तेरे लोगों में से भी बलात्कारी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। तब उत्तर देश का राजा आकर किला बांधेगा और दृढ़ नगर ले लेगा और दक्षिण देश के न तो प्रधान खड़े रहेंगे और न बड़े बड़े वीर, न किसी को खड़े रहने का बल होगा। तब उनके विरुद्ध जो भी आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा और उसका सामना करने वाला कोई न रहेगा, वरन वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा। तब वह अपने राज्य के पूर्व बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम दिया करेगा। और उसको एक स्त्री इसलिए दी जाएगी कि बिगाड़ी जाए, परंतु वह स्थिर न रहेगी न उस राजा की होगी। तब वह द्वीपों की ओर मुंह करके बहुतों को ले लेगा, परंतु एक सेनापति उसकी
की हुई नामधराई को मिटाएगा, वरन पलटाकर उसी के ऊपर लगा देगा। तब वह अपने देश के गढ़ों की ओर मुंह फेरेगा और वहां ठोकर खाकर गिरेगा और उसका पता कहीं न रहेगा। तब उसके स्थान में ऐसा कोई उठेगा जो शिरोमणि राज्य में बरबस करने वाले को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध व युद्ध किए बिना नाश हो जाएगा। फिर उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो न होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। तब उसकी भुजारूपी बाढ़ से लोग वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहकर नाश होंगे, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। चैन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा और जो काम न उसके पुरखा और न उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे उसे वह करेगा और लूटी छीनी धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा और वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। तब दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी और सामर्थ्य सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा परंतु ठहर न सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे, वरन उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे। और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ की नाई चढ़ेगी तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहां तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए भी आपस में झूठ बोलेंगे और इससे कुछ बनना पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। नियत समय पर वह फिर दक्षिण देश की ओर जाएगा, परंतु उस अगली बार के समान इस बार भी उसका वश न चलेगा, क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे। इसके लिए वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा और लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे और लोगों के सिखाने वाले जन बहुतों को समझाएंगे, परंतु तलवार से छीतकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लूटकर बहुत दिन तक बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे तो सही, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उनसे मिल जाएंगे, फिर सिखाने वालों में से कितने ही गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए और निर्मल और उजले किए जाए। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। तब वह राजा अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करेगा और सारे देवताओं के ऊपर अपने को ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के ऊपर जो परमेश्वर है उसके विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। और जब तक परमेश्वर का क्रोध शांति न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। फिर
वह अपने पुरखों के देवताओं की भी चिंता न करेगा और न तो स्त्रियों की प्रीति की कुछ भी चिंता करेगा न किसी देवता की, वरन वह सबों के ऊपर अपने ही को बड़ा ठहराएगा और वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, अर्थात एक देवता का जिसे उसके पुरखा न जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर सम्मान करेगा और उस बिराने देवता के सहारे से वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा और ऐसे लोगों को बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को पाट देगा। अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सिंह मारने तो लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर की नाई, बहुत से रथ सवार और जहाज संग लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और यो निकल जाएगा, वरन वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश तो उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य मुख्य अम्मोनी इन जातियों के देश भी उसके हाथ से बच जाएंगे। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश न बचेगा, वरन वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं के से समाचार सुनकर घबराएगा, तब बड़े क्रोध में आकर बहुतों को सत्यानाश करने के लिए निकलेगा और वह दोनों समुद्र के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और उसका सहायक कोई न रहेगा। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जात भाइयों का पक्ष करने को खड़ा हुआ करता है, वह खड़ा होगा और तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वह बच निकलेंगे और भूमि के नीचे जो सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए जाग उठेंगे। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सदा सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। और हे दानियल, तू इन वचनों को अंत समय तक बंद कर रख और इस पुस्तक पर मुहर दे रख। बहुत लोग पूछपाछ और धूंधारण तो करे थे और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। यह सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तीर पर और दूसरा नदी के उस तीर पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा कि इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दहिना और बाया दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की यह शपथ खाई कि यह दशा 3.5 ही काल तक रहेगी और जब पवित्र प्रजा की शक्ति तोड़ते तोड़ते टूट जाएगी तब ये सब बातें पूरी होगी। यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंतफल क्या होगा। उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से
कोई ये बातें न समझेगा, परंतु सिखाने वाले समझेंगे। और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और उजाड़ने वाली घिनौनी वस्तु स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा, वह उस समय तक तू विश्राम करता रहेगा, फिर उन दिनों के अंत में निज भाग पर खड़ा होगा।